नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जालौन के विकासखंड के ग्राम पंचायत गंधेला में शनिवार मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम को दिन गुरुवार को भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई और प्रथम दिन श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी, श्री राधा मोहन देवाचार्य जी महाराज, गिरिराज अनुच्छेद गोवर्धन मथुरा धाम ने अपने मुखार बिंदु से सैकड़ों उपस्थित श्रोताओं को संगीत में कथा कर रसपान कराया। भव कलश यात्रा दोपहर 2 बजे से नदी से प्रारंभ की गई। कलश यात्रा में सभी लोग पैदल शामिल रहे। श्रद्धालुगण मुख मार्ग का भ्रमण कर गांव के हर मंदिर से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचे, जहां श्री गणेश जी का पूजन अर्चन कर कथा प्रारंभ की गई। कलश पात्रों में सबसे आगे सुसज्जित रथ एवं बैंडबाजी के साथ घोड़े एवं सुसज्जित रथ पर व्यास जी विराजमान थे। श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा की। परिचित श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी स्वश्री रविन्द्र पाल सिंह सेंगर ने सिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखकर चल रहे थे और पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं युवतियां आम के पत्तों से सुसज्जित कलश सर पर रखकर चल रही थीं और भगवान का नाम उच्चारण कर रही थीं। मुख्य आयोजक श्री अजय सिंह सेंगर उर्फ मुनैया एवं श्री नितेन सिंह सेंगर एवं समस्त सेंगर परिवार एवं ग्राम प्रधान संजय सिंह सेंगर एवं समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर भव कलश यात्रा में शामिल हुए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।